मध्य प्रदेश विधानसभा में धर्म स्वातंत्र विधेयक पास होने के साथ ही कानून बन गया, जिसमें लव जिहाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कड़े नियम बनाए गए हैं। लेकिन इस पर जहां बीजेपी ने विधेयक को लेकर प्रसन्नता जाहिर की और जरूरी बताया, वहीं कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर आपत्ति जाहिर की और कई सवाल खड़े कर दिए। धर्म स्वातंत्र विधेयक विधानसभा में पास होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि महिला दिवस पर यह कानून पास हुआ है, यह हर्ष का विषय है। उन्होंने कहा, जो लोग धर्म परिवर्तन कर नाम बदल कर लोभ प्रलोभन और डरा धमका कर शादी करते हैं और बेटियों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, उनके खिलाफ अब सरकार के पास यह कानून है। जो भी इस तरह बेटियों की जिंदगी बर्बाद करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जो बेटियों को बहलाने फुसलाने का काम करके उनकी जिंदगी नरक बना दी जाती थी, उसके खिलाफ अब सबल कानून हमारे पास है। और ऐसे लोग तो इस नियत से शादी करते हैं, धर्मांतरण का कुकर्म करते हैं, कुकृत्य करते हैं, ऐसे लोगों को कड़ी सजा का प्रावधान इस एक्ट के अंतर्गत किया गया है। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये इस तरह की बेटियों की जिंदगी नरक बनाने से रोकने के लिए एक प्रभावी कानूनी हथियार हमें मिला है। मैं सभी को बधाई देता हूं। वहीं इस कानून के बनने के बाद कांग्रेस खुश नजर नहीं आई। कांग्रेस के नेताओं ने लव जिहाद के खिलाफ बने कानून को लेकर आपत्ति जाहिर की और सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ऐसा कानून बनाने की सरकार को जरूरत क्या थी। अब कांग्रेस की यह राजनीति आम जन की समझ से परे है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस नेताओं ने ऐसे मामले नहीं देखे, पढ़े या सुने होंगे, जहां लव जिहाद जैसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, कई बेटियों की जिंदगियां खराब हुई हैं, या हो सकता है कि कांग्रेस नेता इन घटनाओं को लेकर इतने गंभीर न हों। बहरहाल कांग्रेस की इस सवाल का जवाब दिया गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया गया कानून, लाया गया विधेयक है। क्योंकि आज हमारे मध्य प्रदेश में कोई ऐसी आवश्यकता ही नहीं है, सारे कानून पहले से ही हैं। और इसको लाने के पीछे मैंने सीधे सीधे गृह मंत्री जी से पूछा था कि आप मुझे ये बताइए कि आपने इसको किसी ना किसी आधार से तो लाया ही होगा, भाई कितने ऐसे FIR हुए हैं जो धन परिवर्तन को लेकर आपके थानों में FIR हुई है, क्या कोई ऐसी शिकायतें हुई है? कोई ऐसा आधार नहीं है, केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया गया ये विधेयक है, इसलिए हमने इसका विरोध किया है। क्योंकि कानून तो पहले से ही है, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और हमें गर्व है कि हम इस देश के नागरिक हैं, जहाँ पर सभी धर्म को स्वतंत्रतापूर्वक अपनाने का हम सबको अधिकार है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह के कोई भी कानून की यहाँ पर कोई आवश्यकता थी, केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया। क्योंकि मैंने माननीय गृह मंत्री जी से पूछा था कि आप मुझे बताइए कि जिस समय आप अध्यादेश लेकर आए कैबिनेट में, उसके पहले क्या कितनी FIR हुई है? वो तो जो FIR का जिक्र उन्होंने उत्तर देते समय किया, वो तो आपका अध्यादेश कैबिनेट में जब आया, जो संशोधन आप लेकर आ रहे थे, उसके पहले उसके बाद के आंकड़े उन्होंने बताए, पहले के आंकड़े बताते, क्योंकि आपका ग्राउंड तो उसी से तैयार होता है। क्योंकि हमारे प्रदेश में जो घटनाएं घटित हो रही है, उसी से तो आपके कानून में संशोधन की बातें आती है। जब वो है ही नहीं, तो फिर आपको जरूरत किस बात की? केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए काम किया गया है, जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। जो प्यार जिहाद की तरफ ले जाएगा, हम उस हर प्यार के खिलाफ है। जो प्यार हमारी भावनाओं को आहत करेगा, जो प्यार हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को तड़पने के लिए छोड़ेगा, हम उस हर प्यार के खिलाफ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।